नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, यदि आप MP के रहने वाले हैं और आप अपने ज़मीन की बंदोबस्त खतौनी की जो स्कैन कॉपी है उसको अगर आप देखना चाहते हैं नेट पर, तो आप उसे कैसे देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए उसे लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र खोल रखा हूँ। तो यहाँ पर गूगल का जो सर्च बार है, यहाँ पर आपको MP भूलेख लिख कर सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर mpbhulekh.gov.in करके एक वेबसाइट दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप पहुंच जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको राइट साइड के अब कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आकर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है, ताकि यह पेज जो है डेस्कटॉप साइट के रूप में ओपन हो जाए। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको आगे दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए जो है डेस्कटॉप साइट के रूप में ओपन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है इसका पेज नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ कॉलम यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि स्लाइड होता हुआ लगातार दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसको आपको स्लाइड करना है, और स्लाइड करके यहाँ पर आपको देखना है, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बंदोबस्त खतौनी और स्कैन लिखा हुआ आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको बंदोबस्त खतौनी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप बंदोबस्त खतौनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर यस लिखा होगा दो जगहों पर, तो आपको ऊपर वाले यस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ऊपर वाले यस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अगला पेज आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा, जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। तो इस पर क्लिक करके आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद तहसील सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको गांव सिलेक्ट करना है। गांव सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अभिलेख पर क्लिक करके यहां से आपको अभिलेख सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद खसरा पर क्लिक करके आपको अपना खसरा यहां से सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पृष्ठ आप क्रमांक का ऑप्शन दिया होगा, इस पर क्लिक करके आप क्रमांक सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे आपको एक कैप्चा कोड एंटर करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपली यहाँ पर जो कैप्चा कोड लिखा है उसको आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैं जो है एंटर कर दे रहा हूँ। एंटर करने के बाद दोस्तों, सिंपली आपको विवरण देखें पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप विवरण देखें पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर पूरा विवरण खुल कर आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो है बंदोबस्त की नकल जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जो है पूरा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके इसे ऊपर करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा सब कुछ जो भी यहाँ पर डेटा आप देखना चाहें इसको यहाँ से आसानी से आप देख सकते हैं। इसकी जो है ओरिजिनल कापी आपको स्कैन देखने को मिल रहा है।